पंकज होशे, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो मैप है, ये कलर जो है, ये कलर जो बताते हैं कि आपके इलाके में बारिश कैसी होने वाली है, यानी कि आने वाले 24 से 36 48 से और कभी कभी यहाँ पर 72 घंटों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल आपके इलाके में, इसके बारे में यहाँ पर बताता है। लेकिन आपको ये भी बात बता दें आपको कि जो ये आप देख पा रहे होंगे जो ये कलर, ये तो कभी कभी क्या होता है, ये जो कलर हैं ये पूरे राज्य को प्रभावित नहीं करते, यानी कि जैसे जैसे कलर बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की तीव्रता और बारिश का जो फैलाव होता है, दायरा, वो बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो मान लीजिए ये राजस्थान पर अगर कलर है, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर रहता है तो राजस्थान में बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। जब वहाँ पर कलरों का जो इंटेंसिफिकेशन बढ़ जाता है, कलर बढ़ जाते हैं, तब यहाँ पर इस तरह का माहौल बनता है कि यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में, मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य हो, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलने वाली। इन सभी क्षेत्रों में मौसम में लगातार क्लियरिटी बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा अगले 24 से 36 घंटों की बात किया जाए फिर भी। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख से लगभग देश के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन कौन से इलाके में बढ़ेंगी, इसके बारे में आपको जो अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे। लेकिन जो आप देख पा रहे होंगे जो बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है लगभग 100% है कि धीरे धीरे बारिश अब बढ़ेगी, क्योंकि मानसून करीब आ रहा है, तो प्री मानसून की गतिविधियाँ देखने को जरूर से यहाँ पर मिलेंगी। तो जैसे कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मध्य प्रदेश के लिए कर रहता है, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों का लेकर रहता है कि आप बारिश कब होगी। तो जैसे ही बारिश होने को रहेगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि आखिरकार बारिश कब और कैसे होगी। क्योंकि आप आज अंडमान सागर में जो मानसून पहुँचा है कल, तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले बताया कि आपको जैसे IMD ने घोषणा किया कि मानसून अंडमान सागर में पहुँच चुका है। जैसे बताते कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान अगर बात किया जाए तो, और आज कल परसों की, तो आप देख पाएंगे इसमें कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू से लेकर के कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। बदलाव बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो काफ़ी कम होगा, कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की ही जो रेन की इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है मिलेगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आज बारिश की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन कल से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश में कमी देखी जाएगी, फिर से हीट वेव की संभावना नज़र आएगी। लेकिन जो आज बारिश होगी वो कुछ इलाकों में होगी, कुछ जगहों पर होगी, कुछ समय के लिए होगी, बहुत जगहों पर, बहुत इलाकों में एक साथ देखने को बारिश नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इस तरह का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राज्यों में, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह का अभी मौसमी फिनोमेना नहीं बना है कि जो इस तरह का बारिश यहाँ पर दे पाए अगर 24 से 36 घंटों की बात किया जाए तो। चलते हैं आगे बिहार की तरफ, तो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, मौसम में लगातार क्लियरिटी बनी रहेगी, कहीं कहीं पर हल्के बादल आ जाएँ, हल्के बौछार पड़ जाए तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वीय हवाएं चल रही हैं। जब पूर्वीय हवा चलती है तो यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ता है, और जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो बारिश देखने को मिलती है, इस तरह का माहौल बन सकता है। लेकिन असम के साथ साथ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना नज़र आ रही है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, काफ़ी प्रबल बारिश देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर लोग परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, जैसे किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान लोगों को देखने को बिल्कुल भी ना मिले। पश्चिम बंगाल के साथ जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, कोई बदलाव यहाँ पर अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। पूर्वी भारत में नए कोई सिस्टम का सपोर्ट है, नए मॉइस्चर का फ्लो है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बारिश का सिलसिला नज़र अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो ओडिशा के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर भी अभी बंगाल खाड़ी से या अरब सागर से कोई मॉइस्चर नहीं पहुँच रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है। मौसम में क्लियरिटी लगातार बनी रहेगी, हालांकि जो पुरैया है वो धीरे धीरे यहाँ पर अपना असर दिखा रही हैं, तो जो उसके साथ हवाओं के साथ कुछ मॉइस्चर आ रहा है, धूप तगड़ी हो रही है, तो अचानक बादल बन जाने और बारिश हो जाने से टाल नहीं सकते। बाकी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर लोग बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत प्रश्न आते हैं, तो MP के लोग बता दें कि अभी फिलहाल अगले 2 से 3 दिन आप लोग बारिश का इंतज़ार न करें तो अच्छा रहेगा। 20 के बाद 21-22 से हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि बारिश यहाँ पर बढ़ती नज़र आएगी। अब जैसे जैसे बारिश यहाँ पर बढ़ेगी आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। बाकी आते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में भी बारिश की संभावना फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रही, शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। आज कहीं कहीं पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन कल से यहाँ पर मौसम क्लियर हो जाएगा।
बाकी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो गुजरात के साथ साथ जो सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी, बारिश की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम रहेगी, काफ़ी डीम रहेगी, इसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश की संभावना फिलहाल अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा की बात किया जाए तो इन क्षेत्रों में भी बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ नहीं रही है। हाँ, कहीं कहीं पल की बारिश हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये बात की जाए ये तीन राज्य से होंगे जहाँ पर कल मूसलाधार बारिश होगी। इतने बारिश होगी कि यहाँ पर जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, यानी कि यहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी वो काफ़ी तगड़ी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बाकी जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, बाकी जो अंदरूनी तेलंगाना रायलसीमा का क्षेत्र है, यहाँ पर जो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, मौसम लगातार शुष्क और साफ बना रहेगा, यहाँ पर बदलाव अभी आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही बदलाव देखने को मिलता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि आप सतर्क हो जाएँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कल आपको देखना होगा कि शाम के समय कुछ बादल बने थे।